नंबर एक, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। इस जनसंख्या में वृद्धि 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 31 दिसंबर 1978 और 31 दिसंबर 1981, 3 साल के बाद पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र होता है a बराबर पी वन प्लस आर प्लस आर बटे 100 की घात n। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस, अगर अवमूल्यन या घट रही है तो यहाँ पर माइनस होता है। तो देखते हैं प्राइम प्रीम कितना है, 1 लाख, 1 लाख है 1 प्लस आर, वृद्धि दर कितनी है 10%, एन कितना साल है 3 साल। तो देखते हैं 1 लाख ये आ जाएगा 11/10 की घात 3, 11/10, 11/10, 11/10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इधर 11 का गुणा करेंगे 13 से 31 आएगा 2, 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1981 को होगी 1,33,100 जनसंख्या, ये हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पहले मान लेते हैं प्राइम हमको नहीं पता है, फिर ये प्राइम से ये जो संख्या बनी है हमारी a बराबर 44/10 और दर कितनी है हमारी 5%। तो हम निकाल लेते हैं सवाल, लिखेंगे a बराबर p 1 प्लस r/100 की घात n। देखिए बढ़ रही ना, तो देखेंगे a कितना लिखेंगे 4410, p 1 प्लस r दर कितना है 5%, यन समय 2 वर्ष, 5 से काटेंगे 20, तो ये आ गया हमारा पी 21/20, 21/20 और ये 441/10, ये 20-20 जो है इसके गुणे में आ जाएगा क्योंकि इधर बटे में है और ये ऊपर गुणे में है, तो इधर आएगा बटे में आएगा बराबर पी 21 से 21, ये 441 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8000। यानी पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी सबसे शुरुआत में 8000, 2 वर्ष पहले 8000 थी, 2 वर्ष पहले हमारी थी 2×2=4, यानी 4000 कितनी थी हमारी, 4000 जनसंख्या थी। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6 से ही 2/3% वृद्धि हो रही है, यानी दर कितनी हो रही है 6 से ही 2/3, यानी 20/3% वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी, यानी ये p है और ये n है। तो हम सूत्र लगाएंगे a बराबर p 1 प्लस r/100 की घात n। तो प्राइमरी कितना है 3,375 यानी 33,750 1 प्लस 20/3×100 की घात, ये समय कितना है हमारा 3 वर्ष, कितना है समय हमारा 3 वर्ष। अब देखते हैं 33,750, 20×5=15, यानी 15, 15 × 15=17, 17/15 × 17/15 × 17/15, 15 15 15, इसे कट जाएगा यानी 10 आ जाएगा, और फिर 17 17 17 की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 49/13 और एक ये 0 बचा है, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा 49/40/96, ऊपर होगा हमारा सॉरी 20 सेकंड एक आया था ना, यानी 16 16 16, तो ये हो जाएगा हमारा 40/96, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब घटना होता है, जब घटना होता है तो माइनस लगाया जाता है वहां पर। यदि मशीन का वर्तमान मूल 29,040 है तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? तो हम लिखेंगे सूत्र बराबर ए पी 1 प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारा सूत्र क्या हो रहा है, अवमूल्यन घट रहा है। तो देखते हैं वर्तमान मूल्य इतना है, यानी प्रेजेंट में इतना मूल्य है,
देखिए 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना होगा, तो जो 2 वर्ष पूर्व होगा उसी को प्रेजेंट मानेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद इतना हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 29,040। हमको प्रेजेंट अभी नहीं पता है कि कितना था। 1 माइनस आर कितना है हमारा, 12%। समय 2 साल। देखिए इसको 4 से काटेंगे, 3 25 चक्कू 100। अब 25 से कम 25, 25 में से 3 जाएगा 22। तो देखते हैं 29,040 पी गुड़े, इसको लिखेंगे 22/25 और 22/25। अब देखते हैं ये जो दोनों में बटे हैं, इधर में आ जाएंगे, गुड़े में आ जाएंगे, 25 गुड़े 25, और ये जो इधर गुड़े में इधर बटे में आ जाएंगे। तो इसको 11 से काटेंगे, 2 आ जाएगा, 11 कम 11 दुना 22, 11 दुना 22, फिर इसमें कितना बचा, 7 11 6 66, 11 4 44। फिर 11 से इसको काटेंगे, 2 आएगा, 11 दुना 22, 11 4 44, यानी 240। 2 दुना 4, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। फिर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा गुणा करने पर आ जाएगा 37,500। कितना आ जाएगा हमारा, 37,500। ऊपर जब गुणा करेंगे 25 25 की फिर 60 की, तो ये हमारा आ जाएगा 37,500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 साल पहले इतनी मूल्य थी, फिर धीमे धीमे घटकर इतना हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5, कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी, ये जिसका मूल्य अंदर 10% है। तो हम सूत्र लिखेंगे ए बराबर पी वन प्लस, देखिए अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर प्लस की जगह कौन सी संख्या रखेंगे, माइनस का निशान लेंगे हम, साइन और यन। अब देखते हैं ये जो है रह जाएगा, यानी 81,000 रह जाएगा। प्रेजेंट में है कितना, 1 लाख, 1 माइनस, दर कितनी है हमारी, 10% / 100 की घात n। समय कितना है हमारा, कितने समय में, समय ही पूछ रहा है हमारा, 10 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 एक कम 10, 10 में से 1 गया 9। तो लिखेंगे हम इसको 8100 बटे, ये इधर बटे में आ जाएगा, 81,000 बटे 1 लाख, और इधर आया 9/10 की घात n। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। अब ऊपर बचा 81/100, तो इसको लिखेंगे 9/10 का स्क्वायर, और इधर लिखा है 9/10 के n। तो देखिए आधार समान है, तो n बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी। यह हमारा आंसर हो गया। नंबर 6, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, यह प्रातः 9 बजे जीवाणु की संख्या 2,50,000 रही हो, तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। देखिए 9 से 12 में 3 घंटे का समय लगेगा, तो हम सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे ए बराबर पी 1 + r/100 की घात n। तो प्रेजेंट में है कितना, 2,50,000 1 + r, दर कितनी है हमारी, 5% / 100 की घात n। समय कितना लगा हमारा, 3 घंटा। तो देखिए ऐसा करते हैं, हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमारे जीरो की बहुत जरूरत भी है एक प्रकार से, और जीरो से जीरो सब कट जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 100 एकम 100, यानी 105/100, कितनी बार, 3 बार, 105/100, 105/100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 कट गए। अब इसकी इसकी गुणा करके तीनों की गुणा करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा 28,2,89,40,625, ये हमारे जीवाणु होंगे। ये हमारा आंसर। 7, एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 है, यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है, क्या 8% घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी सेट का मूल्य कितना रह जाएगा या कितनी गिरावट आएगी। तो देखते हैं, हम सूत्र लगाते हैं, देखिए यहाँ घटता है लिखते हैं, तो लिखेंगे सूत्र हम ए बराबर पी 1 - r/100 की घात n। तो देखते हैं ए कितना है हमारा, ए हमको नहीं पता अभी, लिखेंगे 15,625 1 - 8% / 3 वर्ष बाद। तो लिखेंगे 15,625
चार से काटेंगे दो और ये आ गया 25, 25 छक्कू 100, 25 एकम 25 में से दो गया यानी 23/25 की घात 3 यानी 1500 625 × 23/25 23/25 × 23/25 तो हम 25 25 से काट देंगे, 25 25 25 ये होता है 25 का क्यूब होता है डायरेक्ट। अब 23 का क्यूब देखते हैं कितना होता है हमारा, 23 का क्यूब होता है 121/67, 121/67, 121/67 ये हो जाएगा टीवी सेट का मूल्य इतना बचा। अब देखना कितनी गिरावट आई, तो पहले था कितना हमारा 15625 में से घटा देंगे 121/67, ये हमारी आ गई कमी, कमी कही या गिरावट। तो ये हम इसको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8543, 3458 रुपए की गिरावट रिकॉर्ड होगी। प्रश्न नंबर 8, किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है, यदि वह 5% वार्षिक दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए हम सूत्र लगाते हैं, ए बराबर P1+R/100 की घात n। देखिए प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 53 करोड़, 53 करोड़, 1+ दर आर, आर कितना बढ़ रहा है 5% की घात n यानी 2 वर्ष बाद। तो जब हम 2 वर्ष बाद निकालेंगे तो देखिए हम 53, तो ऐसा करते हैं इसको 5 से काटेंगे नहीं क्योंकि हमको 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 105/100, 105/100, 1 2 3 4 0 गए हमारे कट, 105 105 की गुणा करेंगे फिर 53 से उसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 58/43/25, 58/43/25 000 यानी हमारा आ गया 58,43,25,000। तो देखते हैं ये हमारा ओ हो गया, लेकिन कह रहा कितनी वृद्धि होगी, तो जब हम वृद्धि देखेंगे तो वृद्धि में क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 58,43,25,000 में से घटा देंगे 53 करोड़, तो आएगा 58 में से 53 करोड़ जाएगा तो आएगा 8,43,25,000, ये हमारी वृद्धि आ जाएगी। प्रश्न नंबर 9, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62,50,00,000 से घटकर 2 वर्ष बाद 57,60,00,000 रह जाएगी। तो देखते हैं हम इसको सवाल लगाएंगे, ए बराबर देखो घटने को कह रहा है, अवमूल्यन, अवमूल्यन कह रहा है तो यहाँ पर हम माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, ए बराबर P1-R/100 की घात n, ए कितना है ये वाला 57,60,00,000 बराबर प्रेजेंट में कितना है 62,50,00,000 1-R कितना है हमारा 1-R कितना दिया हुआ हमारा, किस वार्षिक दर से, आर ही हमको पूछ रहा है तो अभी हमको आर नहीं पता है, समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो देखते हैं इसको, ये जो गुणे में संख्या इधर बटे में आएगी 576,000,000/62,50,000 बराबर 1-R/100 की घात 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये होता है 24, ये 25 यानी 24/25 का होल स्क्वायर 1-R/100 की घात 2। देखिए घात समान है तो घात गायब हो जाएगी, लिखेंगे डायरेक्ट 24/ ये, तो ये माइनस का इधर भेज देंगे हो जाएगा R/100 = 1, और ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 24/25, तो R/100 = 25 एकम 25, क्योंकि हर बार होगा 25 में से 24 गया 1/25
25, ये जो 100 है बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, आर बराबर 1/25 × 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 4%, ये हमारा आंसर हो गया। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,000 है। वर्ष 2013 में जनसंख्या कितनी थी, यानी वर्ष 2013 में पहले जनसंख्या ज्यादा थी, फिर पहले कम थी, फिर बढ़ते हुए 2016 में इतनी हो गई। तो हम सबसे पहले प्राइमरी को मान लेते हैं, यानी इतनी हो गई। तो पी हमको नहीं पता है, इसमें हमको क्या नहीं पता है, पी पहले कितनी 2013 में थी, ये इतनी 2016 में हो गई। तो हम सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 n। तो क्या करेंगे, ए इतनी हो गई हमारी 92,61,00 बराबर पी हमको नहीं पता है कि पहले कितनी थी, 1 + r दर कितना है 5%, n समय कितना है, फिर इसको हम काट देंगे 5 से काटेंगे, और समय हमारा है 2013 और 2016, यानी 3 साल का टाइम मिल गया, ये हमारा हो गया 20। तो लिखेंगे 92,61,00 पी 20 × 20 और एक 21/20, 21/20, 21/20, ये जितने टोटल 20 हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे, 92,61,20×20×20, और ये जो 21 है सब कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 21×21×21, ये तीनों काट देंगे ये कट जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे, दो दुना चार दुनी आठ, 1, 2, 3 और 2, 5 0 होंगे, 5 0 हो जाएंगे, और ये हमारा पी यानी इतनी जनसंख्या थी। प्रश्न नंबर 10 का भी, वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी, 2016 में जनसंख्या इतनी है, 2 साल बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम सूत्र लिखेंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 n, प्रेजेंट में कितनी है 92,61,00, 1 + दर कितनी बढ़ रही है 5% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या 2 साल बाद, देखिए 16 और 2 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 92,61, काट देंगे कितना आ जाएगा 20, 20 + 20, 1, 21/20, 21/20, 1, 2, 0 कट गया। अब हम इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पर आ जाएगा 40, 84, 101, 101 / 2×4, जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 21,025.25, पॉइंट के बाद लगभग छोड़ देते हैं क्योंकि ये जनसंख्या है, कोई वस्तु या पॉइंट नहीं है, ये हमारा आंसर 11B द इंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।